हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कुकिंग विद किरण चैनल में आपका वेलकम है। आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई कोफ्ता घर पर बहुत ही आसानी से बनाना बताने जा रही हूँ, जो कि हम सिर्फ एक चम्मच घी या एक चम्मच तेल में बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मलाई कोफ्ता बनाने के लिए गैस पर हम एक पैन रखेंगे और उसमें हम एक कप पानी डालेंगे। एक कप पानी डालने के बाद हम यहाँ पर थोड़े से सूखे मसाले इसमें ऐड करेंगे। एक मैंने यहाँ पर तेज पत्ता लिया है, आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा और ये 15 से 20 काजू मैंने लिए हैं, इसको मैंने थोड़े से तोड़ लिए हैं, 8-10 काली मिर्च, 3-4 लौंग और हरी इलायची और एक बड़ी इलायची आप यहाँ पर ले सकते हैं। और ये मैंने 4 बड़े साइज का टमाटर इसको ऐसे रफली एकदम चॉप कर लिया है और ये 2 मैंने प्याज को भी रफली कट कर लिया है, ये भी साथ में लेंगे। और फ्रेंड्स एक बात, यहाँ पर मैंने हरी जो धनिया की डंठल होती है ऊपर वाला हिस्सा, उसको मैंने इसे बहुत अच्छे से वॉश करके और इसे लिया है। इससे मलाई कोफ्ता में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप इसे भी डाल सकते हैं। अगर आपको इसका फ्लेवर ज्यादा स्ट्रांग लगता है तो आप जो गरम मसाला और ये धनिया की पोटली बनाकर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इन सभी चीजों को मिक्स करके हम 10 से 15 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। ये प्याज टमाटर और जो मसाले मैंने डाले थे इसको मैं 15 मिनट के लगभग पका लूंगी। उसके बाद हम आइए कोफ्ता बॉल्स की तैयारी कर लेते हैं। इधर ये पक रहा है, फिर इसे ठंडा करके हम इसे पीस लेंगे। कोफ्ता बॉल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 100 ग्राम पनीर लिया है, इसे मैं एक ग्रेटर से इसे ग्रेट कर लूंगी क्योंकि हमें बिल्कुल इसे मसलना है। पनीर या आप इसके जगह पे छेना भी ले सकते हैं, ये पनीर मैंने घर में ही बनाई है तो इसलिए बहुत ही ये सॉफ्ट बनी है। इसको हम ग्रेट कर लेंगे और उसके बाद हमें इसे बहुत अच्छे से मसलना है। कोफ्ता बॉल्स बनाने के लिए मैंने ये पनीर को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब हमें अपने हाथों की सहायता से इस तरह से इसे मसल के एकदम बिल्कुल सॉफ्ट बनाना है, जिस तरह से हम जब छेना बनाते हैं, छेना वाली बॉल्स बनाते हैं, उसी तरह से हमें इसे सॉफ्ट एकदम कर लेना है बिल्कुल हाथों से मसलते हुए। छेना हमारा सॉफ्ट हो गया है, अब इस टाइम पे हम इसमें एक चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे। इसे भी डालकर हम बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और इतना हम इसे इस तरह से मिक्स करेंगे कि एकदम हमारी अच्छी सी बॉल एकदम बिल्कुल चिकनी बननी चाहिए। इसे मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून चीनी के साथ मैंने इस इलायची को पीसा है वो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा एक चुटकी मैं इसमें नमक मिक्स करूंगी और फिर इसे हम मैं अच्छे से एकदम मिक्स करके फिर हम इसकी बॉल बनाएंगे। छेना हमारा बॉल एकदम रेडी है, अब हम इसमें एक स्टफिंग करेंगे, वो स्टफिंग बना लेते हैं। ये मैंने 15 से 20 काजू लिया है, इसे मैंने एकदम महीन कूट लिया है। आप इसे क्रश भी कर सकते हैं या मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए इसको चला दीजिए। इस तरह से थोड़ा सा एकदम छोटा छोटा महीन पीस ही होना चाहिए, बहुत एकदम हमें पाउडर नहीं बनाना है इसका। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये 1/4 टीस्पून मैंने इलायची और चीनी का थोड़ा सा पाउडर बनाया है वो ले लिया है और एक चुटकी मैं यहाँ पर नमक डालूंगी, एक चुटकी मैं यहाँ पर भुना हुआ जीरा पाउडर ले रही हूँ, एक चुटकी मैं लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ और 1/4 टीस्पून मैं अदरक और लहसुन को बारीक काट लिया है इसे ले रही हूँ। और ये स्टफिंग की बाइंडिंग हमारी अच्छी बने तो मैंने यहाँ पर जो थोड़ा सा पनीर ग्रेट करके रखा था उसे मैं थोड़ा सा ले रही हूँ। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके एक हम अच्छी सी एकदम फ्लेवरफुल स्टफिंग बना के तैयार कर लेंगे। अब हम कोफ्ता के लिए छोटी छोटी बॉल बना लेते हैं। ये स्टफिंग है तो इसके पहले हम एकदम छोटी सी बॉल बना के रख लेंगे जिससे कि फिर इसमें जो हल्का कलर लग रहा है तो वो हमारे ऊपर से कोफ्ते में ना लगे, इसकी छोटी छोटी सी बॉल बना के रख लेंगे पहले। मैंने ये स्टफिंग की सारी बॉल बना ली है, अब हम ये पनीर की छोटी छोटी बॉल पहले बनाएंगे एकदम स्मूथ करके इस तरह से। ये बॉल मैंने बना ली है, हम इसे प्रेस कर लिए हैं इस तरह से और जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं तो स्टफिंग करते हैं तो इस तरह से हम बॉल अंदर रख के और फिर इस तरह से इसे गोल घुमा के और हम एक फिर राउंड सा शेप दे देंगे। इस तरह से मैंने इसे घुमाते हुए बिल्कुल देखिए एकदम स्मूथ सी बॉल रेडी कर ली है। इसी तरह से हम आइए अपने
सारे बॉल्स की स्टफिंग करके तैयार कर लेते हैं। हमारी सभी कोफ्ता की बॉल्स बनकर तैयार है और इस टाइम हम एक यहाँ पर इसे ट्विस्ट देने जा रहे हैं। हम इस बॉल्स को फ्राई नहीं करेंगे, इसे हम स्टीम करेंगे क्योंकि हम इसे बहुत ही कम तेल में बना रहे हैं। तो मैंने स्टीमर गर्म होने के लिए रख दिया है और ये स्टीमर की प्लेट ले ली है और इसमें मैं एक दो ड्रॉप ऑयल डालूंगी ग्रीस करके और इसे चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड करके फिर हम इसमें बॉल्स ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो इसे फ्राई करके भी बना सकते हैं लेकिन मैं इसे बहुत कम तेल में बना रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पर इसे स्टीम कर रही हूँ। स्टीमर हमारा गर्म हो चुका है, पानी हमारा स्टीम हो रहा है। अब हम इसमें ये प्लेट अपनी सेट करके इसे हम 10 से 12 मिनट तक स्टीम करेंगे ढककर। स्टीमर इधर हमारा गर्म होकर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें ये प्लेट सेट करके इसे 10 से 12 मिनट के लिए हम ढककर स्टीम करेंगे। यहाँ पर हमारे कोफ्ते स्टीम हो रहे हैं, तब तक हम अपनी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। हमारी सारी सब्जियां स्टीम होकर तैयार हैं। अब इसमें से हम सिर्फ ये तेज पत्ता निकाल के बाहर कर लेते हैं और बाकी सभी चीजों का हम एकदम स्मूथ ग्रेवी बना लेते हैं। मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है और एक छन्नी में ले लिया है और इसे हम एकदम बिल्कुल स्मूथ मुझे ग्रेवी चाहिए तो मैं थोड़ा सा इसे छान लेती हूँ। अगर इसे आपको छानना ना हो तो आप बिल्कुल इसे स्मूथ पीस के डायरेक्ट भी ले सकते हैं लेकिन मुझे बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी चाहिए तो मैं इसे छानकर यहाँ पर ले रही हूँ। हमारे कोफ्ते 10 से 12 मिनट में बिल्कुल देखिए पककर तैयार हैं। अब इसे हम इसी तरह छोड़ देंगे, थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर निकालेंगे। ये देखिए हमने सारे मसालों को अच्छे से छान लिया है, इसमें जो भी एक्स्ट्रा ये बचा हुआ था मैं इसे निकाल कर फेंक दूंगी और ये देखिए एकदम स्मूथ हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है। गैस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे और मैं यहाँ पर एक चम्मच घी ले रही हूँ। घी की जगह पे आप बटर या ऑयल भी ले सकते हैं लेकिन ये घी में बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है तो मैं यहाँ पर एक चम्मच घी ले रही हूँ। मैं ये सब्जी सिर्फ एक चम्मच घी में ही बनाऊंगी। घी हमारा गर्म हो रहा है, मैंने यहाँ पर एक चम्मच अदरक और एक चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है और इसमें एक चम्मच मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ। इसकी जगह पर आप प्लेन वाली भी लाल मिर्च ले सकते हैं। इसे मिक्स करके मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। घी हमारा गर्म हो चुका है, अभी हमने ये जो मसाला बनाकर रखा है इसे हम इसमें डालकर इसे 2 मिनट के लिए भूनेंगे। मैंने इसे 2 मिनट के लिए एकदम देखिए अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हमने ये जो पीस कर ग्रेवी तैयार किया था अब उसे डालकर मिक्स करके इसे भी हम 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। मैंने इसे 3 से 4 मिनट पका लिया है। अब इस टाइम पर मैं इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच मलाई मिक्स कर रही हूँ। ये मलाई मैंने घर पे ही बनाकर उसे अच्छे से एकदम स्मूथ कर लिया है, वही मैं मलाई यहाँ पर ले रही हूँ। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे ग्रेवी में। मैंने इसे 2 से 3 मिनट पका लिया। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच मैं यहाँ पर नमक ले रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें कम या ज्यादा डाल सकते हैं। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर 2 मिनट हम और पका लेंगे। अब इसमें हमने जो ये कोफ्ता बॉल्स स्टीम करके रखी है वो इसमें डालकर इसे भी हम 3 से 4 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पर मिक्स करके रख देंगे जिससे कि एकदम हमारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। एकदम अच्छे से कोफ्ते हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कसूरी मेथी लिया है, इसे हाथों से इस तरह से क्रश करके मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूंगी तो इसे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा हमारी सब्जी में। इसे हम अच्छे से मिक्स करके आइए अब हम इसे सर्व करते हैं। लीजिए हमारा मलाई कोफ्ता बनकर तैयार है। मैंने इसे सिर्फ एक चम्मच घी में ही बनाकर तैयार किया है और ये जितना देखने में टेस्टी लग रहा है उतना ही खाने में टेस्टी है। आप इसे जरूर एक बार ट्राई करके देखिए और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका मलाई कोफ्ता कैसा बनकर तैयार हुआ है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कुकिंग विद किरण चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।